अंबाला शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में आई जल प्रलय के बाद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दौरा किया। उन्होंने अंबाला शहर विधानसभा के गांव तर, मस्तपुर, खुरचननपुर, बतरोहन, रसूलपुर, बकनौर, नकटपुर, सेखोपुरा सहित अन्य ग्रामीणों का दौरा करके ग्रामीणों की दिक्कतों को सुना। इस मौके पर उन्होंने गाँव के बुजुर्गों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और उन्हें सांत्वना भी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बाढ़ के कारण मौत का शिकार हुए लोगों को 4 लाख मुआवजा देने के साथ साथ उनके पशुधन का नुकसान होने पर भी उन्हें मुआवजा देगी। जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, सरकार उन्हें भी 80,000 का मुआवजा देने की घोषणा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि गांव तर के रहने वाले उन परिवारों से भी मिले हैं जिन्होंने बाढ़ के कारण अपने को खो दिया है। उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वे उन्हें फोन करके इसकी जानकारी दे। इन गांवों का दौरा किया है और लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी, बिजली को भी, लेकिन लोगों को दिक्कत है, धन का नुकसान हुआ, क्या करना चाहिए? देखिए, समस्या तो काफी है, खासकर कृषि को लेकर किसानों को काफी नुकसान हुआ है। चाहे हम खेती की बात करें, चाहे हम पशुओं की बात करें, पशुधन की बात करें, दोनों तरफ नुकसान हुआ है और उनको अवगत कराया कि किस प्रावधान के तहत उनको मुआवजा मिल सकता है जिनका नुकसान हुआ है। उसके अलावा कई जगहों पर जान माल का भी नुकसान हुआ है। चौड़मस्तपुर में 2 डेथ हुई है, और जगह भी जा रहे हैं, वहां पर भी उनके लिए भी प्रावधान है। सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा घोषणा किया है। मेरी कोशिश है कि जिस पे जो मदद मिल सके वो उसका मुहैया, उसका एक जरिया बन सकूं मैं, और अगर किसी को दिक्कत समस्या होती है तो वो अपना काम करे, अपनी प्रक्रिया से पूरा भरे। जैसे कि जिस फसल को जो खड़ी थी और वो बर्बाद हो गई है और जिसमें दोबारा बुआई नहीं हो सकती, उनको मुआवजा मिलेगा उदाहरण के तौर पर। तो इस तरह के जो प्रावधान जितने भी हैं और जिनको मदद हो सकती है उनको मदद की जाए। जिसको भी मदद की जरूरत है वो मेरे को जरूर फोन कर सकता है, मैं उनके जरूर पहुंचूंगा और उनकी मदद करूंगा। चोटमस्तपुर आपने सबस्टेशन का निरीक्षण किया और लोगों वहां पर बिजली व्यवस्था, देखिए उसमें तकरीबन 40 गांव की बिजली का सप्लाई चोटमस्तपुर स्टेशन से होता है, और उसमें क्योंकि पानी 5-6 फुट भर चुका था तो उसमें भी काफी दिक्कत थी। ट्रांसफार्मर जितने उनके पैनल्स थे वो पानी के अंदर डूब गए थे, तो मैं वहाँ पे भी निरीक्षण करके आया था। उन्होंने पैनल्स बदल दिए हैं, बाईपास करके वो बिजली तो उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन परमानेंट बिजली सप्लाई शुरू करने के लिए उन्होंने प्रावधान सारे के सारे कर दिए हैं, और उम्मीद है कि कल शाम तक या दोपहर तक ये सारे परमानेंट जो प्रावधान है वो हो जाएंगे वापस। कुछ शेखोपुर गांव और पिछले भी लोगों ने अपने कुछ बात की, कुछ जो वहां पे खाल निकल रही है उसकी जो डोर बनाने की बात। देखिए ऐसा है कि कई जगहों पर एक बात आई है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कई जगहों पर नक्के पूरे करने हैं, कई जगहों पर जहां पे बंदे टूटे हैं उनको ठीक करना है, तो वो सब बातें मैं रखूंगा। मैं एक्सीन साहब से भी, चीफ इंजीनियर साहब से भी मिलूंगा अभी, उनकी बात रखूंगा। वो हमारा काम है अपनी बात रखना, हमारा फर्ज बनता है, मैं जरूर रखूंगा ये बात उनके आगे, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये चीज़ें ठीक होंगी ताकि रोजमर्रा की जिंदगी समान तौर से वापस आ सके।